हमारे यहां से जाने के बाद कल कांग्रेस और छोटा रिचार्ज के लोग और भाजपा के लोग कल मीडिया को बुला बुला कर बोलेंगे कि ओवैसी ने जो बातें की है ना वो बहुत गंदी थी, बहुत गंदी बातें की उसने, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये जहां कहीं भी जाता भड़काऊ भाषण देता है। अबे क्या मैं क्या भड़काऊ भाईजान हूं? मैंने किसके खिलाफ कहा? मैं किसी के खिलाफ कहता नहीं हूं, सच्चाई को बयान करता हूं तो इनको तकलीफ हो जाती है। अब कल देखना आप भाजपा वाले बोलेंगे ओवैसी देश से मोहब्बत नहीं करता, ओवैसी देश से मोहब्बत नहीं करता, उसको देश से मोहब्बत नहीं है। कांग्रेस बोलेगी कि ओवैसी बीजेपी को जिताने के लिए अलग चुनाव लड़ता है, और ये छोटा रिचार्ज बोलेगा ओवैसी देश का दुश्मन है। अब ये तीनों एक हो जाते हैं हमारे खिलाफ। अब आपको मैं बता रहा हूं हमसे नफरत क्यों है, क्योंकि हमने आकर जनता के दरमियान में बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान को सामने रखकर हमने बात को कहा। क्या कहा? कि आप सिर्फ वोट डालने वाले नहीं हैं, आपको वोट लेना भी पड़ेगा। तो वसीम कुरैशी मजलिस का उम्मीदवार नहीं है, जितने यहां पर बैठे हैं जहां तक मेरी आवाज अल्लाह अपने फजलो करम से पहुंचा रहा है, आप सबको जानना चाहिए कि आप वसीम कुरैशी हैं, आप मजलिस के कैंडिडेट हैं, आपको वोट लेना है। बरसों से आपने वोट दिया मगर आप वोट नहीं ले सके, और आपके दिलो दिमाग में बात डाल दी गई कि नहीं नहीं तुम वोट नहीं ले सकते, तुमको वोट देना तुम्हारा काम है।